अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टेक। तो आज हम HTML के रिलेटेड एक और नई वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी जो सी हाफ वीडियोज HTML सीरीज़ की कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी HTML में जो इंटरेस्टेड हैं उससे फ़ायदा उठा सके। तो आज की हमारी जो इस वीडियो है उसका टॉपिक जो है HTML div एंड स्पैन होने वाला है। HTML div टैग और स्पैन टैग, बेसिकली HTML div एंड स्पैन टैग होता क्या है, यानी कि ये एक वेब का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ यूज़ होते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पे स्क्रीन पे एक वेब शो हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट ये आपके सामने स्क्रीन पे जो वेब का पेज अपेयर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ है पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे इसका मेन्यू बार है, ये नेविगेशन बार, ये उसकी बॉडी एंड ये लास्ट पे फुटर। ये आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम एलिमेंट्स ही यूज़ करेंगे, लेकिन डिव और स्पैन को यूज़ करके एक तरतीब के साथ ये यहाँ पे हम बना सकते हैं। HTML डिव और स्पैन जो है वो एक वेब के प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जो यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट के हमारे पास एलिमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन डिव एंड स्पैन, ये तो इनके टैग हैं, लेकिन यहाँ पे जो बताया है इनके ब्लॉक एलिमेंट होता है एक, और सेकंड होता है इनलाइन एलिमेंट। तो जो हमारा डिव है वो यहाँ पे HTML में यूज़ होगा, वो एज अ ब्लॉक एलिमेंट यूज़ होगा, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट्स को जिनसे डिस्टर्ब करके तो अपनी जगह घेरेगा ही घेरेगा। लेकिन जो यहाँ पे हमारा स्पैन एलिमेंट है वो इनलाइन एलिमेंट है, उससे हम जहाँ से शुरू करेंगे वो वहीं से शुरू हो जाएगा और किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जी तो यहाँ पे अब देखेंगे कि डिव बेसिकली होता क्या है। डिव एक ब्लॉक लाइन ब्लॉक एलिमेंट है जो बेसिकली जो सा है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML यूज़ होता है। यानी कि आप जितनी भी वेबसाइट्स देखेंगे गूगल पे या किसी भी और ब्राउज़र पे जो HTML से बनी है, उनमें लाजमी है कि डिव या स्पैन जो सा है वो लाजमी यूज़ हुआ होता है किसी भी वेब के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली बनाने के लिए। तो जो हमारा डिव है एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमेशा जब भी हम इसे स्टार्ट करेंगे ये एक नई लाइन से शुरू होगा एज आउटपुट में, और ये दूसरे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब करेगा और उन्हें इस काम करने पे मजबूर कर देगा कि वो अपनी नेक्स्ट लाइन लें और जो लाइन डिव ले रहा है उसे छोड़ दें। तो ये यहाँ पर इसका काम ये होता है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स जो सा जगह घेरेंगे, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं HTML, वो आपके यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, एड्रेस, आर्टिकल और भी फर्दर एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये होते हैं हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, वो है स्पैन एलिमेंट। स्पैन टैग जो सा है वो एक इनलाइन एलिमेंट है जो कि उसका अपोजिट है डिव का, वो कभी भी जो सा है एक न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जहाँ से आप उसे शुरू करेंगे आउटपुट में वैसा ही वो शो करेगा, वहीं से शुरू होगा। और जितना एक एलिमेंट जगह लेगा स्पैन जो सा है वो भी उतनी ही जगह लेगा बनिस्बत डिव के, वो पूरी एक विद लाइन लेगा जितनी वो घेर सकता है। उसके बाद यहाँ हमें यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ इनलाइन एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, जैसे ए रेफरेंस का है और एब्रीवेशन का है और बोल्ड, बिग और बटन वगैरह के कुछ इनलाइन एलिमेंट शो हो रहे हैं जो सिर्फ उतनी ही जगह लेंगे जितनी उनका एक एलिमेंट लेगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ इम्प्लीमेंट हम देखते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे जो सा है इसका प्रॉपर डेमो देखेंगे डिव और स्पैन टैग का, वो किस लिए यहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे हमने डिव एक प्रॉपर डिव बना लेते हैं, यहाँ पे वैसे ही बनाते हैं जैसे एक सिंपल टैग बनाते हैं, और वैसे ही इसे क्लोज किया और यहाँ पे हम एक स्पैन टैग भी बना लेते हैं। तो अभी जब हम इसे सेव करके देखेंगे तो ये यहाँ पे हमें दिखाएगा, यानी कि एज अ ब्लैंक शो करेगा, क्योंकि ये सिंपल वेब को एक प्रॉपरली रैप करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि
इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ इसे एलिमेंट या कंटेंट देंगे ही, तभी ये हमें यहाँ पे इसकी कुछ आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, रैंडम टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, और स्पैन के अंदर ही भी यही जो सा एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो जब मैं इसे सेव करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग लाइंस पे शो हो रहे होंगे, लेकिन आपने इस बात पे गौर किया कि HTML में कोई भी जो सी लाइन है या पैराग्राफ या कुछ भी लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो सा खुद से ब्रेक होकर सेकंड लाइन पे जंप नहीं करती, लेकिन यहाँ पे आपको आउटपुट में शो हो रहा है वो जो सा हमारा स्पैन का टैग है, स्पैन का टेक्स्ट है, वो यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इसलिए यानी कि जो सा हमारा डिव का टैग है उसने प्रॉपर एक विद ली हुई है, यानी कि ये वाली पूरी विद फर्स्ट वाली लाइन वाली ये प्रॉपर डिव ने ली हुई है, और स्पैन ने जो सा सिंपली उतनी ही ली है। तो इससे एक दफ़ा हम प्रॉपर देखने के लिए हम मज़ीद यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं और एक और स्पैन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे भी उसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। जी हाँ, तो अब आपने देखा होगा कि ये जो था हमारी फर्स्ट डिव का टेक्स्ट आ गया, और सेकंड डिव का टेक्स्ट भी उसके साथ ही आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया क्योंकि ये एक डिव है और इसने अपने एलिमेंट को नेक्स्ट पे ब्रेक करने के लिए मजबूर कर दिया है। और यहाँ पे जो सा आपने स्पैन का देखा, यानी कि फर्स्ट स्पैन यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है और सेकेंड स्पैन जो सा वो डिव की तरह नहीं हुआ, वो उसके साथ ही यहाँ पर शुरू हो गया है। तो इसे देखने के लिए प्रॉपर एक दफ़ा समझने के लिए हम इस यहाँ पर थोड़ा CSS यूज़ करते हैं, और इसका जो सा एक स्टाइल करने के लिए हम जो सा अपने डिव और स्पैन को दोनों को बॉर्डर लगाएंगे ताकि हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा एंड बॉर्डर जो सा है 1 पिक्सल का रख देता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे बॉर्डर लग चुका है हमारे डिव को। यहाँ पे मैं जो सा बाकी चीज़ें हैं उसे यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, इसे भी एक स्पैन को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और सिंपली यहाँ पे मैं जो सा है स्पैन को भी यहाँ पे स्टाइल लगा के तो देखता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल सॉलिड। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा होगा प्रॉपर तरीके से कि हमारा जो डिव है उसने यहाँ पे पूरी लाइन एक विड्थ कंज्यूम की है, जबकि हमारे स्पैन एलिमेंट ने यहाँ पे प्रॉपर जो सा है सिर्फ उतना ही एलिमेंट लिया है जितना एक इन लाइन में आया है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी HTML डिव एंड स्पैन एलिमेंट टैग की जो सी वीडियो है वो ख़त्म होती है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।